देशरे मंकी पॉक्स आक्रांत संख्या वृद्धि पाइबा परे केंद्र सरकार पक्षर जारी होई गाइडलाइंस संपूर्ण सुस्थ हेबा सह समस्त घा सुखिबा पर्यंत संक्रमित रोगी संगरोधरे रहिबे तीन थाकिया मास्क पिंधिबे शरीर में होइथिबा घा और बथ गुडीकु जथा संभव घोडाई रखिबा उचित संक्रमित मंकी पॉक्स रोगी संस्पर्श में आसीथिबा व्यक्ति 21 दिन आइसोलेशन रे रहिबे मंकी पॉक्स आक्रांत जत्न नेउथिबा व्यक्ति पीपी किट पिंधिबे आक्रांत संस्पर्श में आसीथिबा व्यक्ति लक्षण नथिले बी ब्लड सेल और टिश्यू दान करें संक्रमित रोगी संस्पर्श में आसुवा व्यक्ति बारंबार हाथ धोवा सह सानिटाइजर व्यवहार करेंगे सूचना अनुजाई देश में यावत 4 मंकीपक्स मामला चिन्हट हो विश्वव्यापी 16,000 मंकीपक्स मामला चिन्हट होगा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यह वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषणा करते भारत में 4 मंकीपक्स मामला चिन्हट हो सरकार यार नियंत्रण पर पदक्षेप ग्रहण कर अफ्रीका में इसका घर बना हुआ है और वो आते रहते हैं वहाँ के, लेकिन बाहर के देशों में इतना बड़ा स्प्रेड जो आया है ये चिंता का विषय है, तो उसका रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं को भी इन्फेक्शन इस तरह से आ सकती है, उनका भी कहा जाता है कि वो और नॉर्मल रिस्क से उनको ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तो केयरफुल रहना चाहिए, उनको भी हो सकता है। और आज हम ये अच्छी तरह से कि डॉक्टरी देख रेख में यह इलाज होगा तो सीरियस बात कोई होने का अंदेशा नहीं है। आपने अपने आप सेल्फ मेडिकेशन किया वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मंकी पॉक्स तो एक चीज़ है, उससे मिलती जुलती जो बीमारी है उनके अपने अपने कॉम्प्लिकेशन।